ग्यारह। विविधा बोली, वो कैसे? दयाल काका बोले, तुम इस घर में कदम नहीं रखना चाहती तो ठीक है, मत रखो, लेकिन घर के बाहर गार्डन में तो बैठ ही सकती हो। यहाँ तुम बैठकर आराम से आरुषि को पढ़ा सकती हो, इससे तुम्हारी बात का मान भी रह जाएगा और आरुषि की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। विविधा यह सुन चुप पड़ गई। दयाल काका विविधा की कश्मकश को समझ रहे थे। उन्होंने उसे समझाना शुरू किया, विक्रम का पास्ट तुमसे छुपा नहीं है, उसकी जिंदगी में अब इतने वक्त बाद आरुषि आई है, तो उसे कहीं ना कहीं यह डर था कि तुम अपने अच्छे स्वभाव की वजह से आरुषि के ज्यादा करीब ना आ जाओ। वह बस आरुषि को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए तुम्हें उससे दूर किया। वह अपनी फीलिंग्स खुलकर नहीं रख पाता, अपने हर एहसास को वह गुस्से तले दबा देता है। उसकी बातों का बुरा मत माना करो, इतने साल अकेला रहा है तो अब किसी की भी मौजूदगी उसे अपनी जिंदगी में दखल सरीखी महसूस होती है। विविधा बोली, लेकिन अंकल। विविधा की माँ छवि, जो वहीं खड़ी सब सुन रही थी, उन्होंने विविधा को हाँ कह देने का इशारा किया। दूसरी तरफ से काका ने भी कह दिया कि वह उसे अपनी बेटी समझकर इतना कह रहे हैं तो क्या वह उनका मान नहीं रखेगी। विविधा को मजबूरन हाँ बोलना पड़ा। ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर उस विक्रम ने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोला तो मैं आरुषि को नहीं पढ़ाऊंगी। दयाल काका खुश होके बोले, ठीक है, मैं समझा दूंगा उसे, कल से हर शाम 6 बजे तुम आरुषि को पढ़ाने आ जाया करना। विविधा बोली, पहले आप ये बताइए कि वो ड्रैकुला 2.0 कितने बजे घर आता है। दयाल काका बोले, यही कोई 6-6:30 बजे। क्यों? विविधा बोली, तो मैं 5 से 6 बजे का ट्यूशन टाइम रखूंगी, आपके बेटे से जितना दूर रहूं उतना ही सही होगा। दयाल काका बोले, ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। दोनों ने ही कॉल कट कर दी। दयाल काका और आरुषि ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस दिए। आरुषि बोली, काका आपने तो कमाल कर दिया, हमारा काम भी हो गया और किसी को शक भी नहीं हुआ, अब आगे क्या करेंगे आप? दयाल काका बोले, तुम बस देखती जाओ कि तुम्हारे दयाल काका कैसे सब सही करते हैं। आपको ये सब तरीके कैसे पता है? दयाल काका बोले, अपने टाइम पर खुद भी ऐसी तरकीबें लगाई हैं दोस्तों के लिए। आरुषि हंसने लगी, अच्छा, मतलब आपके टाइम भी ये सब हुआ करता था। दयाल काका अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, क्यों नहीं, तकरीबन 30 साल पहले की ही तो बात है, मैं कौन सा बाबा आदम के जमाने का हूँ। आरुषि बोली, तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? दयाल काका यह सुन पल भर के लिए चुप हो गए, फिर अपने सिर को पीटते हुए बोले, कितना भुलक्कड़ हूं मैं, तुम अपना होमवर्क करो, मैं विक्रम से बात करके आता हूँ। विक्रम अपने कमरे में बैठा आरुषि की बात याद करके सोच रहा था, क्या मैथ्स में यह हाल सिर्फ आरुषि का ही है या बाकी बच्चों का भी है? क्या वह टीचर वाकई अच्छी नहीं है? कहीं मैंने विविधा को क्लास से हटाकर बाकी बच्चों के भविष्य से भी तो खिलवाड़ नहीं किया? कुछ देर सोचने के बाद उसने स्कूल के प्रिंसिपल को फोन किया और आरुषि की नई मैथ टीचर के बारे में पूछा कि वह अपने सब्जेक्ट में कैसी है। प्रिंसिपल ने बताया कि वह भी काफी अच्छी टीचर है और उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है। हाँ, यह हो सकता है कि उसके पढ़ाने का तरीका कुछ बच्चों को कम समझ आता हो और आरुषि भी शायद उनमें से एक हो। विक्रम को प्रिंसिपल की बात सही लगी। उसने राहत महसूस की कि बाकी बच्चों का उसके पहले लिए गए फैसले से कोई नुकसान नहीं होगा। विविधा ने छवि जी की तरफ देखा, आपने मुझे हाँ बोलने को क्यों कहा? छवि जी बोली, आरुषि को सच में तुम्हारी जरूरत है बेटा, और विक्रम से तुम्हें क्या लेना देना? उस एक इंसान के लिए तुम आरुषि और उसके दयाल काका को क्यों मना कर रही हो? कभी किसी की मदद को ना नहीं कहते। तुम बस आरुषि को पढ़ाना और सीधे घर चली आना, कोई मतलब ही नहीं रखना विक्रम से। विविधा बोली, आप भी ना कभी कभी बाऊजी जैसे बिहेव करते हो,
अच्छा छोड़ो बाकी सब, यह बताओ कि बाऊ जी ने 1 लाख रुपए दिए तो नहीं ना बुआ जी को? छवि जी ने उसकी बात काटने की कोशिश की। तू भी पता नहीं कौन सी फालतू की बातें लेकर बैठ गई। चल दोनों माँ बेटी बैठकर थोड़ी देर गप्पे लड़ाते हैं। विविधा बोली, माँ बात मत घुमाओ, बताओ ना। छवि जी निराश सी बोली, इसमें पूछने वाली बात कौन सी है? तुम्हारे बाऊ जी पैसे दे चुके हैं। विविधा गुस्से से बड़बड़ाने लगी, पता नहीं बुआ जी का इस तरह बाऊ जी को लूटना कब बंद होगा। जब हम सड़क पर आ जाएंगे ना, तब जाकर उन्हें तसल्ली होगी। बचपन से यही सब तो देखती आ रही हूँ। एक फूफा जी हैं जिन्हें अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। और होगा भी कैसे, बुआ जी यहाँ से पैसे लेकर जाती है ना, वही दूसरी ओर मेरे बाऊ जी हैं जो एक साथ दो दो घर संभाल रहे हैं। पानी सर से ऊपर जा रहा है माँ। छवि जी बोली, तू खामखा ही इतना परेशान हो रही है। कितनी बार कोशिश की है ना हमने उन्हें समझाने की, यह बात तो तू भी जानती है, पर कुछ हुआ क्या? नहीं ना, तेरे बाऊ जी को जब तक कुछ ठोकर नहीं लगेगी तब तक उनकी आंखों से बहन के नाम की पट्टी नहीं उतरेगी। विविधा बोली, पता नहीं वह दिन कब आएगा। आप भी मुझे बुआ जी से कुछ नहीं कहने देती कि वो बड़ी है, लेकिन जब गलती बड़े करे तो उन्हें भी सुनाना पड़ेगा। लेकिन ये संस्कार नाम की ऐसी बेड़ियां डाल रखी हैं आपने कि बस चुपचाप गलत होते हुए देखना पड़ता है। दयाल काका विक्रम के कमरे में गए तो उसे अपने काम में उलझा हुआ पाया। दयाल काका बोले, विक्रम। विक्रम ने एक बार उनकी ओर देखा, फिर वापस अपने काम में लग गया। कहिए। दयाल काका बोले, विविधा बड़ी मुश्किल से ट्यूशन पढ़ाने के लिए मानी है आरुषि को, तो मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं करना तुम्हें, बस यही बताना था वह आरुषि को पढ़ाकर चली जाया करेगी। तुम उसे कुछ मत कहना, वह तुमसे कुछ नहीं कहेगी। विक्रम नाराजगी से बोला, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या जो फालतू के लोगों से लड़ता फिरूं? मैं बस एक बात कह रहा था। ठीक है, सुन लिया मैंने। एक और बात पूछनी थी, कल्पना का पता चला कुछ? विक्रम के चेहरे पर तनाव उभर आया। नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है। वैसे गुप्ता अंकल के पास जरूर जाएगी मेरा जवाब पूछने, और उसके बाद ही सोचेगी आगे का प्लान। या फिर, दयाल काका बोले, या फिर क्या विक्रम? विक्रम बोला, जिस तरह की वो औरत है, समझ गई होगी कि उसे मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, तो इस वक्त प्लानिंग कर रही होगी कुछ ना कुछ। यही सब तो आता है उसे, आप बस सावधान रहिएगा। दयाल काका बोले, हाँ। ललिता बुआ ने अपने पड़ोस की 2-3 औरतों को चतुराई से विविधा के बारे में खूब पढ़ा चढ़ा कर बोल दिया कि कैसे विविधा का एक ड्राइवर के साथ चक्कर चल रहा है। दरअसल ललिता बुआ जानती थी कि इन पड़ोसनों के पेट में कोई बात नहीं पचती है, तो विविधा वाली बात पक्का सभी से जाकर कहेंगी, और जब यह बात आग की तरह फैलते हुए ब्रजेश के पास आएगी तब अपनी बदनामी से बचने के लिए विविधा की शादी कराएगा ही। दयाल काका विक्रम से बात करने के बाद भी चुपचाप वहीं खड़े रहे। कुछ वक्त बाद विक्रम ने उन्हें वहीं खड़े देखा तो बोला, आपको जो कहना है कह डालिए और जाइए। दयाल काका थोड़ा झिझकते हुए बोले, कुछ महीने में 25 के हो जाओगे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए? विक्रम यह सुन अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करने लगा। दयाल काका फिर बोले, आरुषि को भी किसी का साथ मिल जाएगा, तुम भी अपनी परेशानियां किसी के साथ बांट सकोगे, फिर मेरी बकबक सुनने से राहत मिल जाएगी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और वापस काम में लग गया। काका कुछ देर तक उसके जवाब के इंतजार में खड़े रहे, लेकिन जब विक्रम ने कुछ नहीं कहा तो निराश होके वहां से चले गए। इधर कल्पना ने अब तक आरुषि के स्कूल का पता लगवा लिया था और यह भी जान चुकी थी कि फिलहाल उसे लेने छोड़ने दयाल काका जा रहे हैं। दयाल काका की विक्रम के लिए लॉयल्टी किसी से छुपी नहीं थी, इसलिए उनको खरीदना असंभव था। विक्रम भी बहुत शातिर था तो वह भी उसके चंगुल में नहीं आएगा। एक आरुषि ही है जो उसके बहकावे में आ सकती है।
क्योंकि वो अभी बच्ची है। कल्पना ने अजीत को फोन किया और बोली, क्या तुम नकली प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं बनवा सकते राजेंद्र के, जिसमें यह लिखा हो कि उसने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी? अजीत बोला, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला कल्पना, और तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम भी ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि अगर तुम्हारी ये जालसाजी पकड़ी गई तो सीधे जेल जाओगी। अब तक तो तुम सारे गुनाह करके बचती रही हो, लेकिन इस बार नहीं बच पाओगी। भूलो मत कि राजेंद्र के वकील गुप्ता के पास असली पेपर्स हैं, और विक्रम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत गलत कर चुकी हो तुम अपनी जिंदगी में, अब सुकून से अपनी जिंदगी जियो। कल्पना बोली, वही कोशिश तो कर रही हूँ, इसलिए ही तो प्रॉपर्टी चाहिए, बिना पैसे के क्या होगा मेरा। और रही बात विक्रम की, अगर उसके होते हुए भी मुझे आरुषि नहीं मिल सकती, तो उसको रास्ते से हटाने के बाद तो मेरे पास आरुषि आ ही सकती है, क्यों? अजीत नाराज होते हुए बोला, अब तुम खूनी भी बनोगी? कल्पना बोली, अगर विक्रम ने मजबूर किया तो? अजीत फिर बोला, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, समझी? कल्पना बोली, मेरे और मेरे सपनों के बीच जो आएगा, मैं उसे रास्ते से हटा दूंगी। अगले दिन 5 बजे विविधा आरुषि के यहाँ पहुंची और गार्डन में ही बैठ गई। आरुषि उसे देख अपनी बुक्स लेने घर के अंदर चली गई। मौका देख दयाल काका विविधा के पास आ बैठे। तो क्या सोचा तुमने उस बारे में? विविधा बोली, किस बारे में काका? मैंने तुम्हें एक काम दिया था ना, कि तुम्हें एक और शैतान बच्चे को सुधारना है, उसके बारे में क्या सोचा है? विविधा बोली, अंकल आप फिर शुरू हो गए? दयाल काका हंस दिए, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें परेशान करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। इसे भी सुधारने का कुछ इंतजाम करो ना, क्योंकि मैं इसे पहले की ही तरह बनाना चाहता हूँ। विविधा बोली, तो आप ही इसका कुछ इंतजाम कीजिए, मेरा विक्रम से कोई लेना देना नहीं है, इसे तो आप ही सुधारिए। इतने में आरुषि अपनी बुक्स लेकर वहां आ गई। दयाल काका उठकर घर के अंदर चले गए। 6 बजे के करीब विक्रम जब घर लौटा तो उसे विविधा जाती हुई दिखी। वह सोचने लगा कि चलो अच्छा है कि हमारा टाइम अलग है, वरना कुछ न कुछ बहस तो हो ही जाती। वह जैसे ही घर के अंदर जाने को हुआ कि गार्डन में आरुषि अपनी बुक्स को समेट रही थी। यह देख विक्रम चौंका कि तभी दयाल काका आरुषि की तरफ जाते दिखे। विक्रम ने उन्हें पुकारा, काका जरा इधर आइए। काका उसके पास आ खड़े हुए। हाँ कहो, विक्रम बोला, ये आरुषि यहाँ गार्डन में क्यों पड़ रही है, घर के अंदर क्यों नहीं बैठी? दयाल काका हंसते हुए बोले, विविधा की वजह से, वह भी तुम्हारी तरह जिद्दी है, उसने कहा था ना कि घर में कदम नहीं रखेगी, इसलिए बाहर आंगन में ही बैठकर उसे पढ़ा रही थी। वैसे कितनी अच्छी बच्ची है ना विविधा, कि तुम्हारी इतनी जली कटी सुनने के बाद भी और उसे अपने ही क्लास से निकाल देने के बाद भी वह आरुषि के लिए इतना सोचती है। विक्रम शांत सा घर के अंदर चला गया। 2 दिन गुजर चुके थे, सब कुछ सामान्य चल रहा था। रात हो चली थी, आरुषि होमवर्क करते हुए ही सो गई थी। विक्रम के सिर में आज बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने दयाल काका को आवाज दी पर उनका कोई जवाब नहीं आया। 2-3 बार आवाज देने के बाद भी जब काका नहीं आए तो विक्रम उठकर उनके कमरे की तरफ चल पड़ा कि आखिर माजरा क्या है। विक्रम दयाल काका के कमरे में गया तो पाया कि वो तो फर्श पर बेहोश पड़े थे। उनकी ये हालत देख वह दंग रह गया। विक्रम जल्दी से भागकर उनके पास पहुंचा और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दयाल काका अभी भी बेहोश थे। विक्रम ने उन्हें उठाकर बेड पर लिटा दिया और जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। घंटे भर बाद डॉक्टर अंदर कमरे में दयाल काका को चेक कर रहे थे और बाहर विक्रम परेशान सा इधर उधर घूम रहा था। कहने को तो दयाल काका से उनका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन वह उन्हें उससे भी बढ़कर मानता था। भले ही उसने पिछले 4 सालों में उन पर कितना ही गुस्सा क्यों ना निकाला हो, लेकिन दयाल काका ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा हर बुरे भले वक्त में उसके साथ रहे। ये दयाल काका ही है
जिनकी वजह से वो अनाथ होने के बावजूद खुद को कभी अनाथ नहीं समझता था। आरुषि की जब नींद खुली तो वह अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने जब दयाल काका को कहीं नहीं देखा और विक्रम को यूं परेशान देखा तो उसके पास आई। भाई, काका कहाँ है? विक्रम बोला, काका की तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो डॉक्टर को बुलाया था। आरुषि यह सुन घबराई से बोली, क्या हुआ है काका को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? विक्रम बोला, हाँ काका बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी कुछ देर ही हुई थी कि डॉक्टर कमरे से बाहर निकल विक्रम के पास आए। बीपी लो हो गया था काफी, जिससे वो बेहोश हो गए थे। आप उनका ख्याल रखिए। डॉक्टर ने विक्रम को दयाल काका की दवाइयों के बारे में समझा दिया। वह उन्हें छोड़ने बाहर तक चला गया और आरुषि दयाल काका के कमरे में चली गई। आरुषि दयाल काका के पास आ बैठी। वो तब तक होश में आ चुके थे। आरुषि को अपने पास बैठे देख काका मुस्कुरा दिए। आरुषि बोली, काका क्या हो गया था आपको? आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? पता है मैं कितनी डर गई थी, और विक्रम भाई तो कब से परेशान होके इधर से उधर और उधर से इधर घूम रहे थे। दयाल काका बोले, कभी कभी हो जाता है बच्चे, अगली सुबह तक एकदम ठीक हो जाऊंगा। अभी रात के खाने की तैयारी कर लेता हूँ, तुम लोगों को भूख लग रही होगी ना? इतने में विक्रम वहां पहुंचा। यह क्या कह रहे हैं आप काका? उठ क्यों रहे हैं? लेटे रहिए, डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। दयाल काका बोले, ये डॉक्टर लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर अगर लेटा ही रहूंगा तो तुम दोनों के लिए खाना कैसे बनाऊंगा? मेरी बात मान लेते तो अभी आराम से ही लेटा हुआ होता मैं। विक्रम चौंका, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? दयाल काका बोले, वही जो मैंने रात को तुमसे कहा था और तुम एकदम चुप पड़ गए थे। विक्रम समझ गया कि दयाल काका उसकी शादी की बात कर रहे हैं। वह बात काटते हुए बोला, आप आराम कीजिए, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। एक दिन बाहर का खाना खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दयाल काका उदास हो गए। मेरे होते हुए भी तुम लोग अगर बाहर का खाना खाओ तो मेरे होने का क्या फायदा? विक्रम बोला, आपकी तबीयत खराब है, मुझे बनाना नहीं आता। अब खाना तो बाहर से ही आएगा ना, आपके लिए सूप मंगा देता हूँ। विक्रम कमरे से बाहर निकल गया और फोन कर खाने का ऑर्डर दे दिया। घंटे भर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना खाना खा रहे थे। आरुषि को खाना टेस्टी नहीं लग रहा था। कुछ ऐसा ही हाल विक्रम का भी था। दयाल काका तो सूप पीते हुए मुंह बना रहे थे। बताओ, एक तो कितना महंगा खाना लिया और वो भी अच्छा नहीं, या कितना गंदा सूप बनाया है, लगता है कि कोई नौसिखिया होगा। काश घर की बहू ने खाना बनाया होता और मैं उसे खा रहा होता तो कितना आनंद आ रहा होता। मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, कब तक अकेले घर संभालूंगा? विक्रम अभी भी उन्हें कोई जवाब दिए बिना चुपचाप खाना खा रहा था। आरुषि बोली, काका आप घर में कोई हेल्पर रखने का बोल रहे हैं क्या? दयाल काका बोले, हेल्पर रखने की क्या जरूरत है, इस वक्त घर को एक बहू की जरूरत है। बिटिया, तुम्हारा मन नहीं करता क्या कि घर में तुम्हारी भाभी आए और वह तुम्हारी देखभाल करे, तुम्हारी दोस्त बने, मेरी जिम्मेदारियां बांट ले? विक्रम अब नाराज सा दयाल काका की तरफ देखने लगा। यह क्या शादी शादी लगा रखा है आपने? आपको पता है ना कि मैं शादी नहीं करूंगा, और यह बात मैंने आपसे बहुत पहले ही बोल दी थी, तो फिर क्यों दोबारा इस बात को दोहराया जा रहा है? दयाल काका बोले, हाँ मुझे याद है कि तुम पहले ही मना कर चुके हो, लेकिन तब तक हमारी जिंदगी में आरुषि नहीं थी। मैं पता नहीं कितना जीऊं, और तुम तो हर वक्त अपने काम में उलझे रहते हो। कल को मुझे कुछ हो जाता है तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इस घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल ले, और साथ ही तुम दोनों को भी, आरुषि का भी तो सोचो। आज के टाइम में एक तो वैसे ही अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, ऊपर से तुम मना कर रहे हो, ऐसे कब तक चलेगा बेटा? विक्रम खींच कर बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेता हूँ, आप ही कर लीजिए शादी। दयाल काका और आरुषि यह सुनकर बड़ी जोर से हंसे। विक्रम को भी हंसी आई, पर वह अपनी हंसी छुपाने में कामयाब रहा।
दयाल काका बोले, माना दिखने में मैं अब भी अच्छा खासा दिखता हूँ, लेकिन तुम क्यों मेरा बुढ़ापा खराब करना चाहते हो? उम्र देखी है मेरी, सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। अरे उम्र तो तुम्हारी है शादी की, तुम हाँ करो तो एक लड़की पसंद कर रखी है मैंने तुम्हारे लिए, जो आरुषि तुम्हारा और इस घर का अच्छे से ख्याल रखेगी। विक्रम ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। कौन है वह लड़की, किसकी बात कर रहे हैं आप? दयाल काका बोले, पहले शादी के लिए हाँ कहो तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। विक्रम बोला, लगता है बीपी लो होने का असर आपके दिमाग पर भी पड़ा है, आपके साथ रह रहकर आरुषि भी बिगड़ जाएगी। चुपचाप खाना खाइए, मैं भी अपना काम खत्म करके आता हूँ थोड़ी देर में, तब आपको दवा दूंगा। विक्रम उठकर अपने कमरे में चला गया। दयाल काका और आरुषि विक्रम को पुकारते रह गए, लेकिन वह नहीं रुका। अगले दिन कल्पना मिस्टर गुप्ता के पास पहुंची तो उसे एकदम से इतना कमजोर देख मिस्टर गुप्ता बोले, क्या बात है, आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? कल्पना बोली, क्या बताऊं भाई साहब, जब से पता चला है कि मेरे होते हुए भी बच्ची अनाथ की जिंदगी जी रही है, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, उसी की चिंता में घुली जा रही हूँ। या तो मेरी बच्ची मुझे दिला दो, या फिर मुझे भी उस घर में एक छोटी सी जगह दे दो। मिस्टर गुप्ता बोले, माफ कीजिएगा कल्पना जी, लेकिन विक्रम आपके साथ किसी भी तरह का समझौता करने के लिए राजी नहीं है, ना तो वह अपने प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा देगा और ना ही आरुषि। उसका यह फैसला सही भी है, मुझे लगता है कि आपको वापस लौट जाना चाहिए, आरुषि की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, विक्रम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। कल्पना बोली, लेकिन भाई साहब। मिस्टर गुप्ता फिर बोले, माफी चाहता हूँ लेकिन इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कल्पना वहां से बाहर आ गई और सोचने लगी, मुझे तो पहले ही पता था कि विक्रम दो मुहा सांप है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, मुझे अब लुधियाना जाकर अपना प्लान शुरू करना होगा, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अगले दिन विक्रम आरुषि को स्कूल छोड़ने गया, वहां से वो एक कैफे में जाकर बैठ गया क्योंकि ऑफिस जाने में अभी कुछ वक्त था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाली चेयर पर कोई आकर बैठा है। विक्रम ने जब नजरें उठाकर देखा तो सामने मेघा मुस्कुराती हुई बैठी दिखी, जो स्कूल से ही उसका पीछा कर रही थी। विक्रम पहले तो चौंका, फिर अगले ही पल हल्के से हंसा। किस मिट्टी की बनी हो तुम, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज भी है या नहीं तुम्हारे अंदर, बार बार मुंह उठाकर चली आती हो जलील होने। मेघा बोली, अब क्या करूं, तुम पहली ही नजर में पसंजो आ गए हो, अब तो तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है मुझे, यहां तक कि तुम्हारा गुस्सा भी, प्यार हो गया है तुमसे। विक्रम यह सुन जोर से हंसा। सच सच बताओ कि मैं पसंद आया या मेरा बैंक बैलेंस? तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, जो पैसे की भूखी होती है। अगर तुम्हारे पास जमीर होता तो एक बार जली कट्टी सुनने के बाद दोबारा खुद से मेरे सामने नहीं आती। अभी मुश्किल से 10-15 मिनट भी मुलाकात नहीं हुई हमारी, और तुम कह रही हो कि तुम्हें प्यार हो गया, पागल समझा है मुझे? मेघा मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, तुम गलत समझ रहे हो, मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ, तुम पसंद आ गए तो तुम्हें बता दिया, और मैं बस तुमसे ही शादी करूंगी। विक्रम टेबल पर रखे मेघा के हाथ को पकड़कर अब संजीदगी से बोला, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? मेघा को लगा कि शायद उसका नाटक काम कर रहा है। हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, विक्रम बोला। ठीक है तो चलो फिर हॉस्पिटल। मेघा यह सुन चौंकी, हॉस्पिटल क्यों, क्या तुम डॉक्टर हो? विक्रम बोला, नहीं। तो फिर? विक्रम बोला, मेरा एक किडनी पहले ही खराब हो चुका है और दूसरी कभी भी जवाब दे सकती है, डॉक्टर से चेक करवाऊंगा कि क्या तुम्हारी किडनी मेरे लिए काम आ सकती है, तुम दिल तो दे ही चुकी हो अपना, अब एक किडनी भी दे देना, अगर वो मैच कर गई तो। यह सुनते ही मेघा की हालत खराब हो गई, वह सोचने लगी कि यहाँ कहाँ फंस गई।
विक्रम खड़ा हो मेघा का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन मेघा उससे हाथ छुड़ाकर दूर खड़ी हो गई। पागल हो क्या? मैं अपनी किडनी क्यों दूंगी तुम्हें? विक्रम बोला, क्योंकि तुम प्यार करती हो मुझे, तो इतना तो कर ही सकती हो ना? मेघा बोली, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती तुमसे। सोचा था कि तुम्हारे पैसों से सारे अरमान पूरे करूंगी, लेकिन तुम तो किडनी ही मांग रहे हो। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। मेघा जल्दी से वहां से भागी। विक्रम बड़बड़ाया, दिखा दिया ना असली रंग। छवि जी मोहल्ले में खड़ी कुछ पड़ोसनों के साथ बातें करती हुई ठेले वाले से सब्जी ले रही थी, तभी ललिता बुआ की एक सहेली विभा वहां आकर सब्जी खरीदने लगी। छवि जी को देख वह उन पर तंज कसने लगी। आजकल तो जमाना ही खराब है, लड़कियां घर से निकलती हैं नौकरी का बोलकर, लेकिन बाहर इश्क फरमाया जाता है। अरे सब माँ बाप के संस्कारों की कमी है और उनकी परवरिश भी बेकार ही होती है। लड़की नाक के नीचे कांड कर रही होती है, लेकिन उन्हें खबर ही नहीं होती। और क्या पता खबर हो भी, लेकिन बेटी को रोकते ही ना हो। एक पड़ोसन बोली, क्या हुआ? क्या अपने मोहल्ले में भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या? विभा बोली, और नहीं तो क्या, पता चला है कि खुद को शरीफ घर की बेटी कहने वाली एक लड़की का चक्कर किसी ड्राइवर के साथ चल रहा है। दूसरी पड़ोसन हैरानी से बोली, अच्छा कौन है वो? विभा ने चुपचाप खड़ी छवि जी की तरफ व्यंगात्मक दृष्टि से देखा। अब सब कुछ बता, मैं ही पाप की भागीदारी क्यों बनूं? वह अब अपनी सब्जियां लेकर चली गई, लेकिन छवि जी को उसकी वो नजर चुप सी गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विभा उन्हें ही क्यों ऐसे देख रही थी। क्या वो विविधा की बात कर रही थी? शाम तकरीबन 6:15 पर जब विक्रम ऑफिस से घर लौटा तो उस वक्त बारिश हो रही थी। उसने देखा कि विविधा घर के बाहर बैल्कनी के नीचे आड़ में छुपकर बारिश से बचने के लिए खड़ी हुई थी। दयाल काका और आरुषि घर के अंदर की तरफ खड़े होकर उसे बार बार अंदर आने के लिए कह रहे थे, लेकिन विविधा किसी की नहीं सुन रही थी। दयाल काका की नजर जब विक्रम की गाड़ी पर पड़ी तो आरुषि को लेकर घर के अंदर चले गए। आरुषि को कमरे में भेज चुपके से दरवाजे के पीछे से झांकने लगे। विक्रम गाड़ी पार्क कर पहले तो विविधा को नजरअंदाज कर घर के अंदर की तरफ चल पड़ा, लेकिन दहलीज पर रुक गया। उसने विविधा की ओर देखा और नाराज सा बड़बड़ाने लगा, मुझे तो खड़ूस ड्रैकुला वगैरह बोलती रहती है, लेकिन कभी खुद की हरकतें देखी है? नखरीली लड़की। वह वापस लौट विविधा के पास आ खड़ा हुआ। विविधा ने उसकी ओर देखा, फिर उसे इग्नोर कर दूसरी तरफ देखने लगी। विक्रम को उसका यूं नजरअंदाज करना अखर गया। वह गुस्से से विविधा को घूरने लगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 12। शाम को अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर मेघा जब घर लौटी तो ललिता बुआ उसे डांटने लगी। कहाँ चली गई थी तू? कब से फोन कर रही हूँ, कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही है तू? मेघा गुस्से से बोली, क्योंकि मैं आपसे गुस्सा हूँ। ललिता बुआ यह सुनकर चौंकी, गुस्सा है लेकिन क्यों? मेघा ने एक नजर गुस्से से उन्हें देखा, फिर एक तरफ बैठ गई। ललिता बुआ उसके पास आ गई। मुझे अगर ज्यादा नखरे दिखाएगी ना तो एक चांटा पड़ेगा। तेरी जिस माँ ने तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया, आज तू उसी माँ को आंखें दिखा रही है। मेघा खींचते हुए बोली, तो क्या करूं, आपकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? ललिता बुआ बोली, या गोल गोल जलेबी की तरह बात मत कर, साफ साफ बोल की हुआ क्या है। मेघा बोली, मैंने मना किया था आपको बहुत, लेकिन आप नहीं मानी, भेज दिया मुझे जबरदस्ती उस बदतमीज लड़के के पास। ललिता बुआ उत्साहित होते हुए बोली, मिला क्या वो तुझे? मेघा बोली, हाँ मिला था, विविधा के स्कूल के पास में कैफे है ना, वहां जाकर बैठा था। मैं भी पहुंच गई पीछे पीछे और उसे इम्प्रेस करने लगी। वह तो अच्छा हुआ कि उस लड़के ने पहले ही बता दिया कि उसकी एक किडनी खराब है और दूसरी भी जैसे तैसे चल रही है,
वह मेरी किडनी लेना चाहता था। ललिता बुआ यह सुन भौचक्की रह गई। क्या? मेघा बोली, हाँ मैंने तो बोल दिया उसे कि मैं नहीं करती उसे प्यार व्यार। मैं तो बस उसके पैसे के लिए उसके पीछे थी, पर वह जबरदस्ती पीछे पड़ गया। बोला कि दिल तो दिया ही है मुझे, अब किडनी भी दे दो। अब आप ही बताओ कि कैसे दे दूं अपनी किडनी। ललिता बुआ ने अपना सिर पीट लिया। हे भगवान, सारे बेवकूफ मुझे ही क्यों मिलते हैं। अरे हाँ बोल देती, फिर बाद में टाल देती। जल्दी मर जाएगा तो जल्दी उसकी जायदाद मिल जाती, पर तू तो एक नंबर की बेवकूफ है। मेघा खींच उठी। मम्मी आप मुझे विधवा बनाना चाहती हो, वो भी पैसों के लिए। मैं ऐसे किसी बीमार इंसान से शादी नहीं करूंगी। ललिता बुआ बोली, पर वर कुछ नहीं मम्मी, मैं बोल देती हूँ आपको पहले ही। ललिता बुआ बोली, अगर लड़का ढंग का होता तो मैं उसे हाथ से जाने नहीं देती, लेकिन अब क्या करूं, पता नहीं मेरी बेटी को कोई पैसे वाला लड़का मिलेगा भी या नहीं, या फिर तू भी जिंदगी भर मेरी तरह दूसरों के आगे हाथ फैलाती रहेगी। मेघा बोली, मम्मी आपके भैया अच्छे हैं, या ये कह लो कि अनभक्त हैं, जो कहती हो तुरंत मान लेते हैं, लेकिन आकाश से ऐसी कोई भी उम्मीद करना बेकार है। वह तो मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगा, उल्टा मेरे पैसे लेकर ही भाग जाएगा। ललिता बुआ बोली, जानती हूँ, तभी तो पहले से ही कोई पैसे वाला दूल्हा ढूंढ रही हूँ, ताकि तुझे आकाश की जरूरत ही ना पड़े। मेरे माँ बाप ने तेरे पापा जैसे मिडिल क्लास आदमी से मेरी शादी कराकर गलती कर दी, पर वह मैं तेरे साथ नहीं करूंगी। मेघा अपनी मम्मी के गले लग गई। मम्मी आप कितनी अच्छी हो। ललिता बुआ हंसते हुए बोली, लेकिन तू भी मतलबी है, जानती है कि मम्मी ही है तेरी सारी ख्वाहिश पूरे करने वाली, इसलिए मस्का लगा रही है ना, वरना कुछ देर पहले तो कैसे घूर रही थी। मेघा बोली, क्या करूं, बिल्कुल आप पर गई हूँ। ललिता बुआ कुछ देर सोच कर बोले, तू ग्रेजुएट है, कोई छोटी मोटी जॉब कर ले, ताकि तेरा ये मेकअप और पार्टी वगैरह का खर्चा तो निकल ही जाएगा। मेघा यह सुन ललिता बुआ से दूर हट गई। बिल्कुल नहीं, काम के दौरान इतना ज्यादा टेंशन, प्रेशर, कंपटीशन होता है आज के टाइम में, कि अगर मैंने यह सब फेस किया तो मेरी तो खूबसूरती ही बिगड़ जाएगी। आप अपनी नाजुक सी राजकुमारी से काम करवाना चाहती हैं? ललिता बुआ बोली, अच्छा विविधा कर रही है ना नौकरी, उसकी खूबसूरती तो कम नहीं हुई। उसका लेवल देखो और मेरा देखो, वह तो मेरी नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। ठीक है, फिर तोड़ मुफ्त की रोटियां, माँ से ही सारी मेहनत करवा बुढ़ापे में, वैसे भी ले देकर जैसे तैसे पास हुई है, तुझे नौकरी मिलेगी भी नहीं। छवि जी घर पर परेशान सी बैठी थी, विभा की पैनी नजर उनके जहन से हट नहीं रही थी। क्या वह मेरी विविधा के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मेरी विविधा तो नहीं, विभा का तो काम ही यही है कि दूसरों के घर में कैसे आग लगानी है, मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगी। अगर मेरी बेटी किसी को पसंद भी करती तो वह मुझे जरूर बता देती। भगवान करे कि विभा मेरी विविधा के बारे में बात ना कर रही हो, विविधा को अब तक आ जाना चाहिए था, शायद बारिश की वजह से वही रुक गई है। विक्रम विविधा के खुद को यूं इग्नोर करने पर उसको गुस्से से घूरने लगा। कुछ देर बाद विविधा की नजर एक बार फिर से विक्रम पर गई तो उसे खुद को यूं घूरते देख नाराजगी से बोली, क्या है, पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखी तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे जैसी नखरीली लड़की नहीं देखी। विविधा यह सुन हंस पड़ी। मेरा भी कुछ कुछ ऐसा ही ख्याल है तुम्हारे बारे में, कि तुम्हारे जैसा चलता फिरता ड्रैकुला और महिषासुर रूपी इंसान आज भी इस दुनिया में मौजूद है, यह तो मुझे पता ही नहीं था। विक्रम का गुस्सा यह सुनकर बढ़ गया। तुम हद पार कर रही हो, मैंने तुम्हें सिर्फ नखरीली कहा है और बदले में तुमने मुझे क्या क्या बोल दिया। बात करने की भी तमीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? तो तुम्हारे अंदर भी कौन सी है भला, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो क्यों आए थे यहाँ अपनी अकड़ का बोझ ढोते हुए? विक्रम बोला,
तुम्हारी फिक्र थी इसलिए आया था, लेकिन लगता है कि मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हारा सोचा। विविधा यह सुनकर चक्कर आने का नाटक करने लगी। हे भगवान, यह मैंने क्या सुन लिया? इस महिषासुर को मेरी फिक्र है, लेकिन इतनी मेहरबानी क्यों भला? विक्रम बोला, इन्हें एटिकेट्स कहते हैं विविधा मैडम जी, लेकिन शायद आपको खुद ही पता नहीं, एक टीचर होने के बावजूद तुम यहाँ मेरी बहन को पढ़ाने आती हो। हाँ, माना कि हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन आरुषि और तुम्हारे तो है। मैं बस इतना कहने आया था कि अंदर चलो, वरना बारिश में भीग जाओगे। विविधा बोली, भीग जाऊंगी तो भीग जाऊंगी, मैं भला कौन सा कागज की हूँ जो खराब हो जाऊंगी। विक्रम बोला, वह सब ठीक है, पर अंदर चलो, वरना कल को अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो घर वाले यही कहेंगे कि हमारी बेटी आरुषि को पढ़ाने गई थी और अपनी तबीयत खराब कर लौटी। विविधा बोली, कोई कुछ नहीं कहेगा। विक्रम फिर से बोला, फिर भी अंदर चलो, बारिश बंद हो जाए तो चली जाना, वरना मैं गाड़ी से छोड़ आऊंगा। नहीं, मैं यही सही हूं, मैंने कसम खाई है कि तुम्हारे घर के अंदर पैर तक नहीं रखूंगी। विक्रम थोड़ी गंभीरता से बोला, क्या इतनी नफरत करती हो मुझसे? विविधा बोली, नहीं, लेकिन आपकी बातें बहुत बेकार होती हैं। विक्रम बोला, ठीक है, हम बात ही नहीं किया करेंगे, इससे हमारे बीच झगड़ा भी नहीं होगा, और तुम आरुषि को आराम से घर में पढ़ाओ। इतनी मेहरबानी क्यों मुझ पर? तुम पर नहीं, आरुषि पर, उसे भी तुम्हारे साथ बाहर ऐसे बैठना पड़ता है। विविधा ने यह सुन गुस्से से चेहरा दूसरी ओर कर लिया। विक्रम फिर से बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि अंदर चलो। विविधा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। यह देख विक्रम काफी गुस्सा हो गया। यह क्या बार बार इग्नोर कर रही हो मुझे? मैं यहाँ खड़ा तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम हो कि कभी इधर तो कभी उधर देख रही हो। विविधा बोली, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो जाओ यहाँ से, मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें। ऐसे ही दूसरों को भी बुरा लगता है जब तुम उन्हें उल्टा सीधा बोलते हो। उस दिन मुझे मेरी ही क्लास से बाहर निकाल दिया। अपने रुतबे का इस्तेमाल कर, अगर आरुषि को खोने का इतना ही डर है तुम्हारे अंदर, तो उसे प्यार से जीतो ना, ताकि कोई चाहकर भी तुम्हारे और उसके बीच ना आ सके। विक्रम गुस्से से दूसरी तरफ देखने लगा। विविधा बोली, देखा, लगी ना मिर्ची, सच कड़वा ही होता है। विक्रम ने अब एक बार फिर विविधा की तरफ देखा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं कि अंदर चल रही हो या नहीं। विविधा बोली, नहीं, बारिश कोई ड्रैकुला थोड़ी है जो मुझे खा जाएगी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले ही पल उसने विविधा का हाथ पकड़ उसे बाहर खुले आसमान के नीचे थोड़ा हल्के से ढकेल दिया। अगले चंद पलों में विविधा बारिश में भीगने लगी। दयाल काका उनकी सारी हरकतें देख मुस्कुरा रहे थे। विविधा हैरान सी बोली, क्या क्या किया तुमने, धक्का क्यों दिया, भिगा दिया ना बारिश में मुझे। विक्रम मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, अरे तो क्या हो गया, बारिश कौन सी ड्रैकुला है जो तुम्हें खा जाएगी? फिर अभी तो तुमने ही कहा कि तुम भला कौन सी कागज की बनी हो जो पानी से खराब हो जाएगी। अभी खड़े रहो आराम से, मैं तो अंदर जा रहा हूं। विक्रम मुस्कुराते हुए अंदर जाने को हुआ कि विविधा ने उसे भी बारिश में खींच लिया। विक्रम गुस्से से बोला, यह क्या हरकत है विविधा? विविधा बोली, अब हुआ हिसाब बराबर, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम कागज के हो? विक्रम बोला, अब तो अंदर चलो। नहीं, विक्रम विविधा का हाथ पकड़ जबरदस्ती अंदर ले गया। विविधा उस पर गुस्सा करती रह गई, लेकिन विक्रम पर उसका कोई असर नहीं हुआ। दयाल काका उन्हें आते देख जल्दी से किचन में भाग गए। जब विक्रम विविधा घर के अंदर आए तो उनकी बहस सुन आरुषि और दयाल काका दोनों बाहर सिटिंग एरिया में आए। काका बोले, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों, झगड़ा क्यों कर रहे हो बच्चों की तरह? विविधा बोली, देखिए अपने बेटे को जरा, पहले मुझे बारिश में भिगो दिया, फिर जबरदस्ती घर के अंदर भी ले आए। विक्रम बोला, तो क्या करता, प्यार से मान ही नहीं रही थी, और भिगोया तो तुमने भी मुझे। आरुषि उनके झगड़े को देख धीरे से हंसने लगी। दयाल काका बोले, अरे बस बस, लड़ना बंद करो दोनों और जाकर कपड़े चेंज कर लो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। विक्रम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चला कि विविधा की आवाज उसके कानों में पड़ी, अंकल मेरे पास तो दूसरे कपड़े हैं ही नहीं, तो मैं क्या पहनूंगी?
दयाल काका कुछ कहते कि उससे पहले ही विक्रम बोल पड़ा, काका वो लखनऊ से साड़ी लाया था ना वाइन कलर की, वही दे दो, वरना ये बीमार पड़ गई तो फिर मेरा ही सिर खाएगी। और अदरक वाली चाय भी दे देना ताकि सर्दी से थोड़ी राहत मिले। यह सब बोल विक्रम अपने कमरे में चला गया, लेकिन विविधा, आयुषी और दयाल काका तीनों हैरान से उसे देखते रह गए। विक्रम अपने कमरे में आया और कपड़े चेंज करने के बाद खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर होती बारिश को देखने लगा। उसे अब एहसास हुआ कि कैसे उसने कुछ देर पहले विविधा की फिक्र की, वह भी उसके सामने। पता नहीं विविधा और दयाल काका क्या सोचेंगे कि मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी, और न जाने मैंने भी अचानक से ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दूसरी ओर दयाल काका मुस्कुराते हुए विविधा की तरफ देख रहे थे, जो अभी तक सीढ़ियों की तरफ ही देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि जो शख्स हर वक्त उसे जली कटी सुनाता रहता था, वह आज उसकी फिक्र कैसे कर रहा है। उसने अब नजर हटा काका की ओर देखा तो उन्हें खुद की ओर देख मुस्कुराते हुए पाकर वह झेप गई। दयाल काका हंसते हुए आरुषि से बोले, लगता है बिटिया तुम्हारे भाई और मैम में दोस्ती हो सकती है। आरुषि बोली, हाँ देखो ना काका, भाई खुद मैम को घर के अंदर ले आए और इन्हें भी आना ही पड़ा। विविधा नाराज होकर बोली, मैं आई नहीं, तुम्हारे भाई लाए मुझे, वो भी जबरदस्ती। मैं जा रही हूँ अपने घर, हर बार तुम्हारे भाई की मर्जी नहीं चलेगी। विविधा जैसे ही दो कदम आगे बढ़ी कि दयाल काका बोले, ऐसी तेज बारिश में जाना सही नहीं है, और अब तो तुम घर में आ ही चुकी हो तो तुम्हारी कसम भी टूट गई, इसलिए गुस्सा छोड़ दो। अगली बार अगर विक्रम कुछ कहे तो तुम यह तो कह सकती हो कि वो तुम्हें घर में लाया था। और तभी विविधा चीख पड़ी। दयाल काका को याद आया कि विविधा अभी तक भीगी हुई खड़ी है। अरे मैं तो भूल ही गया तुम्हारा, आओ मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ, जल्दी से आकर चेंज कर लो। दयाल काका विविधा को गेस्ट रूम में ले गए और उसे विक्रम की लाई हुई साड़ी देकर वापस सिटिंग एरिया में आ गए, जहाँ आरुषि बैठी हुई उनका इंतजार कर रही थी। आरुषि बोली, काका भाई तो पहले कितना गुस्सा करते थे मैम पर, लेकिन अब तो उन्हें खुद ही अंदर ले आए, साथ ही वह साड़ी देने के लिए भी खुद ही बोल दिया, जैसे भाई ने मेरे साथ दोस्ती कर ली। लगता है विविधा मैम से भी हो जाएगी जल्दी ही। दयाल काका बोले, हाँ वैसे हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि जो साड़ी हम विविधा को देना चाहते थे वह तो विक्रम ने खुद ही उस तक पहुँचा दी। अपने कमरे में लेटे टीवी देख रहे ब्रजेश जी ने छवि जी को आवाज दी, विविधा नहीं आई क्या अभी तक? छवि जी, जो अब तक विभा की बातों में डूबी हुई थी, उठकर उनके पास आई। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है तो शायद आरुषि के घर पर ही होगी, मैं कॉल कर लेती हूँ उसे। ब्रजेश जी बोले, हाँ करो, वैसे भी तुम माँ बेटी सुनती ही कहाँ हो मेरी, विविधा के तो पता नहीं दिमाग में क्या ही चलता रहता है, मेरी बहन तो उसे पता नहीं क्या नजर आती है, अपने बड़ों का मान सम्मान करने से छोटों की इज्जत थोड़े ही कम हो जाती है। कितनी बार कहा है कि बुआ इतने पास में रहती है, थोड़ा बहुत उनके पास भी जाकर बैठा करो और उनके अनुभव से कुछ सीखो, लेकिन नहीं। मैंने उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह तो एक ट्यूशन और लेकर बैठ गई। अरे पैसों की कमी है क्या? इतना तो कमा ही लेता हूँ कि हमारी अच्छे से गुजर बसर हो जाती है, या कोई तरीका थोड़ी होता है। शरीफ घर की लड़कियों का घर के बाहर घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता, उन्हें अंधेरा होने से पहले ही घर लौट कर आ जाना चाहिए। तुम भी हद करती हो, मैं पूछ रहा हूँ तब कॉल कर रही हो, उससे पहले ही बात कर लेनी थी ना। छवि जी बोली, मैं बस करने ही वाली थी तो अब तक क्यों नहीं किया। छवि जी ने विविधा को कॉल किया तो सिटिंग एरिया में सोफे पर रखा उसका फोन बज उठा। दयाल काका ने जब फोन की स्क्रीन पर हमारा नाम लिखा देखा तो पहले चंद सेकंड तो विविधा के लौटने का इंतजार किया, लेकिन जब वह गेस्ट रूम से बाहर नहीं निकली तो काका ने खुद ही फोन उठा लिया। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से छवि जी परेशान सी बोली, हेलो विविधा कहाँ हो, सब ठीक है ना? दयाल काका बोले, मैं दयाल बोल रहा हूँ, विविधा ने काफी देर तक इंतजार किया बारिश के रुकने का,
और थोड़ा भीग भी गई, लेकिन बारिश की वजह से विक्रम बेटा ने उसे जाने से मना कर दिया था कि अभी जाना ठीक नहीं है, मैं और आरुषि हैं उसके साथ, जब बारिश कम हो जाएगी तो हम खुद विविधा को छोड़ने आ जाएंगे। छवि जी बोली, ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट मत कीजिएगा। दयाल काका बोले, जी बिल्कुल। छवि जी ने फोन रख दिया और ब्रजेश जी की तरफ देखा जो उनकी बातें सुन रहे थे। वह बेड से उठने को हुए कि छवि जी ने रोक दिया, आप कहाँ जा रहे हैं? एक तो पैर में पहले से ही लगी हुई है। ब्रजेश जी बोले, तो क्या करूं, बेटी घर पर नहीं आई है और मैं यहाँ बिस्तर पर ऐसे ही बैठा रहूं, बारिश हो रही है तो क्या हुआ, मैं खुद जाकर ले आऊंगा उसे। छवि जी बोली, कैसे लेकर आएंगे, बाइक पर? दयाल जी कह रहे हैं ना कि वो लोग कुछ देर में छोड़ आएंगे। किसी तरह उन्हें समझाने के बाद छवि जी सोचने लगी कि विक्रम तो हर वक्त विविधा पर गुस्सा रहता था, फिर आज कैसे फिक्र हो गई, ये लड़का बदल रहा है या विविधा को ही उसे पहचानने में गलती हुई। आरुषि को अपना होमवर्क करने के लिए रूम में भेज काका विक्रम के कमरे में जा पहुंचे और उसे खिड़की के पास खड़े होकर बाहर होती बारिश को देखते हुए पाया तो अपना गला साफ कर विक्रम का ध्यान अपनी ओर खींचा। विक्रम ने एक नजर उन पर डाली और वापस से बाहर देखने लगा। कुछ ज्यादा ही गला खराब हो रहा है आपका, कुछ कहना है तो सीधे कह डालिए ना। काका बोले, कह तो दूंगा ही, लेकिन देख रहा था कि यहाँ का मौसम आज कुछ बदला बदला सा है। विक्रम यह सुन मुस्कुरा उठा, कमाल है, शराब मैं पीता हूँ लेकिन नशे में आजकल आप घूमते रहते हो, कोई पसंद आ गई है क्या? काका ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ बहू मिल गई है मुझे मेरी, बताया था ना कि पसंद की है तुम्हारे लिए। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और काका की ओर देखा, विविधा की बात कर रहे हैं ना आप? यह सुन दयाल काका दंग रह गए, तुम्हें कैसे पता? विक्रम बोला, आपकी हरकतों ने बताया मुझे, मैं कहता नहीं इसका ये मतलब नहीं कि कुछ समझ नहीं आता, आपकी जुबान पर आजकल विविधा का नाम ही छाया रहता है, क्यों भूल जाते हैं आप कि अगर आप मुझे पिछले 24 साल से जानते हैं तो मैं भी आपको उतने ही सालों से जानता हूं। काका यह सुन जोर से हंसे और विक्रम के पास आ खड़े हुए, तो कर दो ना मेरी इच्छा पूरी। विक्रम बोला, हरगिज नहीं। वह वहां से जाने लगा कि काका उसके सामने खड़े हो गए, क्यों नहीं, तुम्हें भी तो पसंद है वो, है ना? इस बार हैरान होने की बारी विक्रम की थी। किसने कहा आपसे ये झूठ है? दयाल काका बोले, तो फिर वो साड़ी विविधा को देने के लिए क्यों कहा? विक्रम थोड़ा नाराज सा होकर बोला, क्यों, क्या आपको पहननी थी वो साड़ी, या फिर उसे पहनने के लिए अपना सूट या आपके कुर्ते देने को कहता? कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं आप। दयाल काका बोले, सच बताओ कि साड़ी गलती से आई थी या तुम विविधा के लिए? विक्रम गुस्से से उन्हें घूरने लगा, अगर किसी के लिए कुछ लाता हूँ तो खुद से बता देता हूँ, ऐसे छुपा कर नहीं लाता, अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं कि साड़ी गलती से आई? काका बोले, लेकिन बस अब और कोई बहस नहीं, आप कमरे से जाइए और मुझे इत्मीनान से काम करने दीजिए। काका विक्रम को गुस्सा होते देख चुपचाप बाहर जाने लगे कि विक्रम की पीछे से आवाज आई, और हाँ कल सुबह से पहले आप मेरे कमरे में नहीं आएंगे। दयाल काका बोले, लेकिन खाना? बाहर से ही आवाज दे दीजिएगा, मैं खुद आ जाऊंगा। काका बोले, और विविधा को घर भी तो छोड़ना है। विक्रम बेरुखी से बोला, आप छोड़ाइए। काका बोले, लेकिन चाय। विक्रम बोला, क्या हो गया है आपको, भूल गए क्या कि मैं चाय नहीं पीता? काका उसे कहने को हुए कि वो तो विविधा को चाय पिलाने के बाद छोड़ने की बात बोल रहे थे, लेकिन फिर सोचने लगे कि इस जिद्दी लड़के से तो बाद में निपटेंगे, पहले जाकर चाय बना लेते हैं। किचन में आकर दयाल काका ने अदरक वाली चाय बनाई कि सामने से विविधा आती दिखी, उस पर साड़ी काफी अच्छी लग रही थी। दयाल काका उसे इस रूप में देख खुश हो गए। विविधा उनके पास आ खड़ी हुई तो काका को शैतानी सूझी, आइए छोटी मालकिन, कहिए चाय के साथ और क्या लेंगी आप?
छोटी मालकिन सुनते ही विविधा मचल उठी और दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई। अंकल ये गलत बात है, अगर आप ऐसे मेरी खिंचाई करेंगे तो फिर मैं वापस से अपने कपड़े ही पहन लूंगी। काका यह सुन हंस दिए। अरे हमारी टीचर बिटिया तो नाराज हो गई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तुम्हें इस रूप में देखते ही मेरे मुंह से छोटी मालकिन शब्द खुद ही निकल गया। इतने में आरुषि वहां आ पहुंची और विविधा को देख चहकते हुए बोली, आप पर यह कलर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मैम, लगता है ये साड़ी आपके लिए ही यहाँ इस घर में आई थी, मैं भी इस वाइन कलर की अपने लिए एक ड्रेस लूंगी। विविधा को अब विक्रम की कही बात याद आई, अंकल ये साड़ी है किसकी, मैंने तो आपके घर में किसी लेडी को नहीं देखा। दयाल काका बोले, तुम सही कह रही हो। विविधा बोली, तो फिर विक्रम किसके लिए साड़ी लाया, उसने कहा था ना कि वो लखनऊ से ये साड़ी लाया था। आरुषि बोली, मैम वो हुआ यूं कि, तभी दयाल काका उसकी बात काटते हुए बोले, दरअसल ये साड़ी तुम्हारे लिए ही इस घर में आई थी, विक्रम को साड़ी पसंद आ गई तो वो ले आया और अब खुद ही तुम्हें देने को कहा, किसी और के लिए लाता तो अब तक तो उसे दे देता ना। विविधा अब सोच में पड़ गई। आरुषि हैरानी से दयाल काका को देखने लगी कि काका ने इतनी सफाई से झूठ बोल दिया मैम को। काका ने जब उसे खुद को यूं देखता पाया तो विविधा से नजरें बचाते हुए अपने दोनों कान पकड़े धीमे से सॉरी कहा। आरुषि सोचने लगी कि काका तो हम बच्चों से भी ज्यादा शैतान है। काका ने विविधा को उसकी माँ के कॉल के बारे में बताया और चाय पी के घर छोड़ने की बात कही। काका ने कुछ सोचकर चार कप चाय तैयार की, विविधा ने ट्रे को उठा लिया और तीनों जाकर वापस से सिटिंग एरिया में जा बैठे। विविधा ने काका आरुषि को चाय दी, फिर सीढ़ियों की तरफ देखा, काका ड्रैकुला तो अब तक नहीं आया, चाय ठंडी हो जाएगी, बुला लीजिए उसे भी। आरुषि जैसे ही कहने को हुई कि विक्रम चाय नहीं पीता कि काका ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया, चाय पीते वक्त बोलते नहीं वरना खांसी आ जाती है। काका ने अब विविधा की ओर देखा, वो नीचे नहीं आएगा। विविधा बोली, तो आप दे आइए चाय। काका ने अपने दोनों घुटने पकड़ लिए, दे तो आऊं बेटा लेकिन आज घुटनों में दर्द बहुत है, आरुषि को ऊपर जाना मना है लेकिन हाँ तुम मेहमान हो तो शायद तुमसे कुछ ना कहे। विविधा यह सुन हड़बड़ा गई, मैं नहीं जाऊंगी, मैं क्यों जाऊं। काका उदास चेहरे से बोले, ठीक है मैं ही चला जाता हूँ, वरना अगर उसे चाय नहीं मिली तो जुखाम हो जाएगा। विविधा उठ खड़ी हुई, अच्छा ठीक है मैं ले जाती हूँ। वह विक्रम के लिए चाय लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो पीछे से दयाल काका भांगड़ा करने लगे। आरुषि यह देख चुपके से हंसने लगी। विविधा ने अब पीछे मुड़कर देखा तो काका वापस से घुटने पकड़कर दर्द से कराहते हुए सोफे पर बैठ गए। विविधा सीढ़ियों से ऊपर जाकर विक्रम के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था विक्रम के कमरे में जाने से, एक तो वो पहली बार उसके कमरे में जा रही थी और पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, दूसरी बात कि उसने उस वक्त साड़ी पहनी हुई थी, वो भी विक्रम की लाई हुई। विविधा ने अपनी हड़बड़ाहट छुपाते हुए विक्रम के कमरे के दरवाजे को नॉक किया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।